एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है सोल ट्रेडरशिप, इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, कि सोल ट्रेडरशिप जो है उसका मीनिंग क्या है, या सोल ट्रेडरशिप है वो होता क्या है, उसके मेरिट क्या हैं और उसके डीमेरिट क्या हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ सोल ट्रेडरशिप। सोल ट्रेडरशिप जो है इसका मीनिंग क्या होता है। सोल ट्रेडरशिप और प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं इसे, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल ट्रेडरशिप और प्रोप्राइटरशिप इज डेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो फॉर्म है हुज ओनर इज जस्ट 1%, जिसका एक ही पर्सन मालिक होता है, एंड डैट पर्सन इज कॉल्ड एज सोल ट्रेडर, और वह पर्सन सोल ट्रेडर कहलाता है। एंड दिस पर्सन इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस, और यही पर्सन जो अकेला पर्सन है, एक व्यक्ति, यही बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। एंड इज़ अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉफिट एंड लॉसेस, और अकेला ही जिम्मेदार होता है सारे प्रॉफिट और लॉसेस को लेकर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के। द सेम पर्सन इज़ अ मैनेजर एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ द बिजनेस, यही व्यक्ति जो एक व्यक्ति होता है, यही ऑर्गेनाइजर या मैनेजर होता है अपने बिजनेस का। तो ये था इसका मीनिंग। अब देखते हैं मेरिट ऑफ सोल ट्रेडरशिप या एडवांटेज ऑफ सोल ट्रेडरशिप। तो इसका फर्स्ट मेरिट देखते हैं, फ्री सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। दिस सोल प्रोप्राइटर इज़ फ्री टू सिलेक्ट हिज ओन बिजनेस। अब जो सोल प्रोप्राइटर या जो क्या बोलते हैं उसे, सोल ट्रेडर है, वो फ्री होता है अपना बिजनेस सिलेक्ट करने के लिए। एंड ही कैन चूज़ एनी बिजनेस एक्सेप्ट ऑल दोज बिजनेसेस, वो कोई भी बिजनेस चूज़ कर सकता है उन बिजनेस को छोड़ के, विच आर रिस्ट्रिक्टेड बाई द गवर्नमेंट, जो सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किए गए हैं, उन्हें छोड़ के कोई भी खोल सकता है। सीक्रेसी जो इसका सेकेंड मेरिट है उसे देखते हैं। द सीक्रेट्स ऑफ द बिजनेस आर नोन टू इट्स ओनर्स। इसमें क्या होता है, जो बिजनेस के सीक्रेट्स हैं वो केवल ओनर्स को पता होते हैं, ओनर्स ओनली, केवल ओनर्स को ही पता होते हैं। दस द सीक्रेट ऑफ सोल ट्रेडर बिजनेस कैन बी केप्ट सीक्रेट। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सोल ट्रेडरशिप या जो सोल बिजनेस है, जो सोल ट्रेडर का बिजनेस है, वो सीक्रेट रहता है। क्विक डिसीजन, सोल ट्रेडर इज़ द ओनली ओनर। सोल ट्रेडर ही एक ही व्यक्ति होता है, वही ओनर होता है ऑफ द बिजनेस, पूरे बिजनेस का। सो ऑल द डिसीजंस कैन बी टेकन बाय हिम क्विकली। तो सारे डिसीजन जो हैं वो उससे वही लेता है, इसीलिए डिसीजन जो है वो बहुत जल्दी ले लिए जाते हैं। फोर्थ एडवांटेज देखते हैं, फुल कंट्रोल। ही इज़ द ओनली ओनर सो ही हैव फुल कंट्रोल ओवर हीज बिजनेस। वो अकेला मालिक होता है, इसीलिए उसका फुल कंट्रोल होता है बिजनेस के ऊपर। अब हम लोग डीमेरिट देख लेते हैं ऑफ सोल ट्रेडरशिप। सबसे पहला है लिमिटेड कैपिटल। इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस द फुल अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल हैज़ टू बी डन बाय द ओनर। इस बिजनेस में क्या होता है कि जो कैपिटल का अरेंजमेंट है वो सिर्फ ओनर करता है, फ्रॉम हिज प्राइवेट सोर्सेज, जो उसके प्राइवेट निजी सोर्सेज हैं उनसे, विच कुड बी लिमिटेड टू हिम, लिमिटेड टू हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, जो कि लिमिटेड हैं, जैसे कि वो अपने दोस्तों से लेता है या अपने रिश्तेदारों से लेता है। अब इसका सेकेंड डिमेरिट देख लेते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ही हैज़ टू बियर ऑल द लॉस ऑफ हिज बिजनेस हिमसेल्फ। जितना भी घाटा या नुकसान होगा वो अकेले ही उसे मैनेज करता है, बिकॉज ही इज़ द ओनली ओनर, क्योंकि वो अकेला मालिक है ऑफ हिज बिजनेस, अपने बिजनेस का। इसीलिए चलिए बढ़ते हैं थर्ड डीमेरिट की ओर। तो हमारा थर्ड डीमेरिट है लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल। द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इज़ टू बी डन बाय द ओनर। जो बिजनेस का मैनेजमेंट है वो ओनर के द्वारा किया जाता है, हिमसेल्फ, अकेले खुद ही करता है। हुज़ मेंटल इफ़िशियंसी एंड स्किल्स आर लिमिटेड, जिसके दिमाग के काम करने की क्षमता और उसकी स्किल्स जो कि हैं वो लिमिटेड हैं अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। कुछ मतलब लिमिटेड हैं कुछ टाइम तक। तो ये इसका थर्ड डिमेरिट था। फोर्थ डिमेरिट देखते हैं, लिमिटेड बिजनेस एरिया। इट इज़ वेरी हार्ड फॉर अ सोल ट्रेडर, ये सोल ट्रेडर के लिए बहुत कठिन होता है, टू एक्सपेंड हिज बिजनेस, अपने बिजनेस को बढ़ाना आफ्टर अ
सर्टेन लिमिट, कुछ लिमिट के बाद। 10 बिजनेस ऑफ सोल ट्रेडर रन्स इन लिमिटेड एरिया, तो जो सोल ट्रेडर का बिजनेस है वो लिमिटेड एरिया में होता है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, जो इसका फिफ्थ डिमेरिट है, अनसुइटेबल फॉर बिग बिजनेस। बिग बिजनेस के लिए ये अनसुइटेबल होता है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल द डिसएडवांटेजेस, सारे डिसएडवांटेजेस को समझने के बाद, इट कैन बी सेड दैट, ये कहा जा सकता है, फॉर बिग बिजनेस प्रोजेक्ट सोल ट्रेडरशिप सिस्टम इज अनसुइटेबल। जो सोल ट्रेडरशिप जो प्रोजेक्ट है या जो सिस्टम है वो अनसुइटेबल है, ये स्मॉल एरिया में ही किया जा सकता है। तो दोस्तों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और ये उसके मेरिट और डीमेरिट थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।